हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हैप्पी नवरात्रि। अभी तक मैंने आप लोगों को विश नहीं किया था, इसलिए मैं सोचा आज विश कर देती हूँ। आज है मतलब आज तो वैसे जब ये ब्लॉग जा रहा है तो नवरात्रि का 3rd डे है, और लेकिन जब ये जो ब्लॉग शूट हो रहा है तब 2nd डे था। और मैं आके यहाँ पर पूजा कर रही थी, मतलब थोड़ा सा तो वो लग रहा है। आपको पता है कि हर नवरात्रि में जो है पूजा कैसे होता था सारी चीज़ें। और पिछले साल हमने जो पाठ है वो स्टार्ट करवाया था, तो बस इस बार जो है सिंपल से पूजा कर लेते हैं। माता रानी तो बस सच्चे मन से अगर उनकी पूजा करो तो वो वैसे ही खुश हो जाती हैं। जरूरी नहीं होता ज़्यादा तामझाम का, बट हर किसी का अपना एक श्रद्धा होता है, कैसे क्या करना है उसके हिसाब से करता है। तभी तो इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, मतलब भगवान को मनाने के लिए, उनसे बातें करने के लिए। और यहाँ पे पापा जी पता नहीं कुछ मुझसे कह रहे थे, तो वही मैं उनको बता रही थी। तो आज का जो दिन है उसकी शुरुआत करते हैं। चैनल कामनी सिंह, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी मेरी, सो इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला उसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। और आज का जो व्लॉग स्टार्ट करते हैं उसमें सिर्फ एक शिकायत थी सबकी कि दीदी आपकी वॉइस नहीं आती, तो मैंने बोला हुआ भी था। तो वॉइस का जो है इंतज़ाम पतदेव जी कर चुके हैं, उन्होंने बोला इसे यूज करना। यार बहुत ही झमेले वाला काम होता है ना, फ़ोन तो ऐसा होता है उठाओ और शुरू हो जाओ कहीं भी कभी भी। ये लगाना मुझे बहुत वो लगता है, बट करना है। गिम्बल भी लाए हैं, गिम्बल भी यूज करना है अब तो करूँगी। और एक चीज़ लाओ, एक चीज़ वो हो जाती। देखो मेरा तब तक ये ट्राईपोड जो है ये यहाँ से टूट गया था, मैंने इसे फेविक्विक से चिपकाया भी था। मैं थोड़ी सी जुगाड़ूँगी, मतलब सोचती हूँ जितना मैं जो मैनेज हो जाए उसे कर लूँ। तो मैंने फेविक्विक मंगा के से चिपकाया था, लेकिन ये फिर निकल गया। एक करो एक फिर दाव पे ही रहता है, मतलब एक का फिर नीड होता ही होता है। अब ये जो है ना इसको ऊपर ऐसे खींचने में ना बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब ये ऊपर जा नहीं रहा है जल्दी। ठीक है, अभी करती हूँ। और मुझे पहले मैं ये वाला जो माइक है ना देखती हूँ कैसे यूज करेंगे, और लगा के फिर बात करती हूँ, फिर वॉइस अच्छी जाएगी। इसमें जो ये है ना एक ये रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीव करेगा। और ये ट्रांसमीटर है, हाँ ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जो है वो दो है, दो लोगों के लिए है, जो सेंडर होते हैं ना ये वही है, सेंडर के लिए है। दो लोग इसे यूज करेंगे अपने कॉलर के पास, और ये रिसीव करेगा। दैट मीन्स कि ये इसमें लगाना होगा। पतदेव जी लगा के दिखाए थे लेकिन तब मेरा इतना ध्यान नहीं गया था। और अवॉइड कीजिएगा, मेरी आइज़ जो है वो सूजी सूजी दिख रही है। पहले मैं आइए लगाऊँ ताकि वॉइस अच्छी जाए, फिर मैं आइज़ की बात करती हूँ। सो गाइज़, अब मैंने माइक लगा ली है और अब वॉइस अच्छे से जा रही होगी। तो बात कर लूँ, मैं आँखों की बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा उस दिन ज़्यादा रोई हूँ तो पानी चढ़ गया। मतलब बहुत देर तक ऐसा होता है ना कि हमारे आंसू निकलते रहते, चाहे हम फूट के रोएं ना रोएं, मतलब कहीं भी खड़े हैं और आंसू निकल रहा है, किसी भी उससे आंसू निकल रहे, रो रहे, तो आँखें सूज जाती है। बस यही बात है और कोई बात नहीं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि रोज़ रोज़ जो है व्लॉग आप लोगों को एक डेली व्लॉग दे पाऊँ। मेरे चिक पे कुछ हो गया, ये देखो ये थोड़ा सा दबा सा लग रहा है, यहाँ पे ब्लैक लग रहा है ना। ये जब भी मैं कैमरा देख रही हूँ मुझे महसूस हो रहा है, मैंने कुछ भी केयर नहीं किया अपना, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मुझे वीडियोज़ बहुत सारे शूट करने हैं, सब कुछ पेंडिंग पड़ा है। देख रही हूँ धीरे धीरे क्या क्या कैसे करती हूँ। धनु का जो स्कूल मैंने अब रूटीन में ला दिया, ट्यूसडे से स्कूल जा रहे हैं, मंडे को तो नहीं भेज पाई थी, ट्यूसडे से जो है स्कूल जा रहे हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे दो दिन चलेगा, थर्सडे फ्राइडे फिर दो दिन और जाएंगे, फिर छुट्टी। और बस अब मैं अपने काम में लग गई हूँ, कंटिन्यू रखूँगी अपना काम सारा। मुझे अपना रूम घर सब कुछ ठीक करना है, लेकिन जो चीज़ें कहते हैं ना अभी जब तक ये कौन सा माइक है? ये नया माइक पापा लाए थे ना मम्मा के लिए। पार्क जाओगे? हाँ, चलो। कौन कौन मैं लेके चलूँ? अच्छा मैं लेके चलूँ? जाओ घूमे। मुझे ना एक वो करना है,
एक वीडियो शूट करना है। अभी कर दूँ आपको लाखों की रास्ते आप तो छोटी भी बांध ली कैसी लग मामा शाम हो गई शाम हो गई शाम हो गई चलो 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 बाय बाय बेटा। पापा जी का फोन। आज ये थर्ड डे का मॉर्निंग का टाइम है। आज है ईद तो बच्चों की भी छुट्टी है, सबके छुट्टी है, लेकिन पतिदेव जी की छुट्टी नहीं है। उनके साथ ना छुट्टी को लेके थोड़ा सा इशू रहता है, नहीं छुट्टी मिलती ज़्यादा उनको, तो आज उनको जाना है तो इसलिए मैं आई और चाय दिया पापा जी को और हम दोनों ने चाय पिया। और उसके बाद मैं चाय पिया नहीं, यह मेरा नियम है। अगर मुझे रोटी बनानी होती है ना तो मैं क्या करती हूँ, जैसे चाय रखती हूँ आटे को ना थोड़ा आधा अधूरा गूंद के उसमें पानी हल्का सा डाल के और उसे रख देती हूँ, जिससे वो फूल जाता है, फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो अच्छे से सॉफ्ट गूंद जाता है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मैंने रख दिया और बाद में उसको मिला लूँगी रोटी बनने से पहले। और उसके बाद आ गई मैं चाय छानने। यहाँ पर यह चाय मैंने पहले पापा जी को दिया और उसके बाद फिर हम दोनों ने पिया। पिछले व्लॉग में कुछ लोग कहना था यार मतलब कितना चाय बनाते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पापा जी जो है ना बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। और ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने उनको से पर्सनली एक चाय दिया, उसके बाद कोई आया या फिर मैं पीने जा रही हूँ, पतिदेव जी कोई भी पीने जा रहा है, तो उस टाइम भी मैं उनको एक कप दे देती हूँ क्योंकि उन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बस और कोई बात नहीं। इसलिए हमारे घर चाय बहुत ज़्यादा बनता है। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, मैंने बोला उनसे कि मैं आपको रोटी सेक के दे देती हूँ, नाश्ता किए और उसके बाद वो ऑफिस चले गए। बस मन था कि आज उनका भी छुट्टी रहता, आराम से सोते। अब मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा करने आई हूँ और यहाँ पे आप देखो दिया जो है ना, यह जो जलता है इसको ना थोड़ा सा उकसाना होता है, ऊपर का जो बाती होता है वो जल जाता है ना, फिर बहुत ऐसे होता है ना रोने जैसा दिया हो जाता है, मतलब तो वो सही नहीं लगता, तो उसको उकसाना होता है। तो यहाँ पे अब ये मेरी जिम्मेदारी, जब से मंदिर ऊपर वाले फ्लोर पे जब से मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आई ना, तो जिम्मेदारी की रात वात को भी देखना होता है, तो मैं ये दिया देखती हूँ हर नवरात्रे में एंड उसके जो है देखभाल करती हूँ कि दिया बुझे ना और जलता रहे इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पर पूजा कर लूँ। पार्सल जो है इकट्ठे हुए हैं, इसको मैंने सोचा कि ओपनिंग कर लूँ और देखती हूँ क्या क्या है इसमें। थोड़ा बहुत तो खोल खा के उसे देखा, जैसे कई लोग आ रहे थे ना कमेंट की दी मेरा पार्सल मिला कि नहीं मिला, तो चेक किया, बट अब मैं अच्छे से आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो ये पहला है चिकन काली सूप से, जो कि बहुत प्यारा है, इसमें दो सूप है, ये कब से पार्सल आए हुए थे जिनको मैंने ओपन तक नहीं किया हुआ था, तो उसको मैंने आज ओपन कर लिया। चिकन कारी सूट बहुत प्यारे प्यारे से सूट और साड़ी थे, तो आपको इन सब का डिटेल जो है ना इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने अपनी आईडी जो मेंशन कर दी है, यहाँ भी बता देती हूँ, कामनिया जीत सिंह के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। तो ये सारी साड़ी वगैरह जो भी ऐसे होते हैं ना, देखिए भी बहुत प्यारी साड़ी है, तो सब कुछ का जो है डिटेल आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर चेक करें एंड फॉलो करें।
बाद के कुछ प्रोडक्ट थे जैसे कि फेस वॉश एंड सनस्क्रीन, साथ में ना एक बिंदी है। रवीना कह रही थी इतनी बड़ी तो बिंदी आप दीदी लगाते नहीं हो भाभी, मैंने बोला कोई बात नहीं किसी को दे देंगे कोई लगा लेगा, उसमें छोटी मैं लगा लूँगी। और यहाँ पर अभी तक आप देखो मेरे सारे सामान ऐसे पड़े हुए, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, अंदर से मन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। तो बट मैंने बोला कि ऐसे कैसे काम चलेगा, काम की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये सारे कपड़े जो है मैं निकाल रही हूँ, धोने वाले जो कपड़े थे वो निकाल के एक दिन धो भी ली थी, और ये सारे वो कपड़े हैं। फिर मैं इसको रखती हूँ, मेरे साथ दिक्कत हो गया है ना यहाँ पर, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में एक तरीके से मैं फंस चुकी हूँ कि अभी मैं सूटकेस जो है इसको कैसे निकालूँ, कहाँ रखूँ, क्या करूँ, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा है। जो अलमारी है वो भी उसको वहाँ से हटाना है, फिर मैं उसमें कपड़े रख दूँगी जो निकाले हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर निकालना पड़ेगा क्योंकि वो जो कपड़े ना बहुत भारी है, उसको खिसकाना हिलाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मतलब कि वो जो जहाँ पे उसको रखना है रखा जाता, उसके बाद ही उसमें रखती तो ज़्यादा अच्छा था। इसके वजह से बेड वेड पे ना इधर उधर बहुत सारे सामान पड़े हैं, डिब्बे वगैरह में सब कुछ, वो सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है, लेकिन इसी वजह से नहीं कर पा रही। फिर ऐसे रूम भी अच्छा नहीं लग रहा, पूरा फैला हुआ है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, धनु को अलमारी कहीं एडजस्ट हो चुका है, मैं वहाँ पर रख लेती हूँ, और बाकी जो रखना है बेड पर रखती हूँ, और इनके जो कपड़े हैं वो भी रख देती हूँ। और ये तो मौसी घर से मिला था इनको, वो कपड़े हैं, और इसमें पैकिंग जो है पूजा ने किया था, उसने आरती वगैरह सब कपड़े इसमें पैक कर दिए। देखो ये कैबरी है, मतलब ये मेरा नहीं है, उसने सब कुछ इसी में पैक कर दिया है। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी साड़ी के लिए, तो आप लोगों की साड़ी लग रही है, साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है। सुबह से आप लोग वेट कर रहे थे मेरे व्लॉग का कि व्लॉग नहीं आया दी अभी तक, व्लॉग डालो व्लॉग डालो, तो चीज़ें एकदम से ठीक नहीं हो जाती हैं। मैंने जो दो तीन दिन के वीडियोस रखे थे वो एक करके डाला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ही दिन में सारे फिर से मैं कर लूँ, मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो वो शुरुआत हो रही हैं। और मैंने ये व्लॉग को कंप्लीट किया, इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं डाल पाई क्योंकि कल का जो व्लॉग था थोड़ा सा पार्ट था, और आज फिर मैंने शूट किया और अब ये कंप्लीट करके डाल रही हूँ। अब शायद इसके बाद कंटिन्यू रहे क्योंकि अब टाइम से आपको पता है कि टाइम के साथ सब कुछ ऐसे ही होता है। तो और इस टाइम से ही मुझे याद आया कि कुछ लोगों को सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो मुझे लगा उनमें से कुछ सवालों का जवाब मुझे दे देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को ये लग रहा है कि नानी जी की अभी ऐसे जो भी हुआ तो आप लोग पूजा कैसे कर सकते हो, सूतक नहीं लगा। ये जो सूतक होता है इसको छुतका भी बोला जाता है हमारे बिहार साइड में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सूतक होता है ये बाबा दादा जो घर होता है उस फैमिली को लगता है, नानी के घर की फैमिली का सूतक नहीं लगता है। मीन्स अगर हमारे घर में जो लोग हैं, हम जिनके घर में हैं उनका जो कुल खानदान है उससे रिश्ते लगे, उसके रिश्ते को मतलब कि जो कुछ भी होगा तो वो सूतक छूत का लगेगा, हमें मायके के रिश्ते का नहीं लगता है। इवन कितना भी क्लोज रिश्ता हो मायके का, कभी भी
छुतका या सूतक जो है नहीं लगता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि होता है कि अगर कोई बेटी आई हुई, किसी के घर में कुछ ऐसा हुआ है, डेथ हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो किसी की बेटी आई हुई है, तो वो बेटी वो कुछ जो काम है जो कि छुतका में नहीं किया जाता है, तो उस बेटी से करवाया जाता है अगर कुछ ज़रूरी हो तो। मैं आपको बता दूं, हमारे साइड जब ये छुतका लगता है, सूतक होता है, तो 10 दिनों तक जिनके घर में लगता है उनके घर में 10 दिनों तक, 9 या 10 दिनों तक बिना हल्दी का सब्जी और दाल बनता है, जो खाना बनता है, एंड बिना छौंक लगाए हुए, मतलब कि बिल्कुल सिंपल ऐसे खाना बनता है। आप कोई छौंक नहीं लगा सकते, मतलब कि तेल, जीरा, ये सब जो होता है ना, इन सबको डाल के आप छौंक नहीं लगा सकते। ऐसे ये नॉर्मल खाना खाते हैं। जिस दिन कुछ होता है उस दिन 24 घंटे तक चूल्हा नहीं जलाया जाता है, तो इस तरीके होता है। यहाँ तक कि जिसकी फैमिली में हुआ है उनके घर से जो भी रिश्ता है, मतलब कि बाबा के घर से, पापा घर से, जो भी जितने कूल खानदान के लोग हैं, जो बहुत पीछे से रिश्ते से जुड़े हुए हैं, जैसे बाबा दादा परदादा के रिश्ते से जुड़े हुए, जिसे हमारे यहाँ पटीदार बोला जाता है, अगर वैसे भी, तो उनको भी ये चीज़ बढ़ावा करना पड़ता है, उन्हें भी ये सूतक दोष लगता है, छुतका लगता है, उन्हें भी मतलब कि बिना छौंक के, बिना हल्दी वाला जो है खाना खाना होता है, वो नए कपड़े नहीं पहन सकते। इनफैक्ट 7 दिन तक शायद, अब तो पता नहीं, पर कुछ लोग उसमें होते जो इस नियम को मानते हैं, उनको 7 दिन तक नहाना भी नहीं होता है, चाहे गर्मी हो या ठंड, बहुत सारी चीज़ें जो विधि विधान होती हैं। तो मतलब जो है जिनकी, ये हर किसी के साइड ना अपने अपने तरीके से होता है। हमारे में 13वीं होता है, कुछ लोगों का है कि यार व्लॉग क्यों नहीं शूट किया। देखो, पहली बात कि ये कुछ व्लॉग शूट करने वाली बात नहीं है, कोई व्लॉग शूट करेगा और शेयर करेगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मतलब कि जैसे ये बोला जाए कि हाँ नानी जी की एज हो गई थी, तो लोग शेयर भी करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो मेन बात है वो आप लोगों को नहीं पता कि ये जो भी हो रहा है ये यहाँ नहीं हो रहा है, ये गांव में हो रहा है, और गांव में सिर्फ सब लोग यही हैं, सिर्फ मामा जी और मामी जी भी गए हुए हैं, लेकिन अभी जाएंगे। मतलब हमारा तो नहीं गारंटी है कुछ भी, शायद हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे कि मामा जी की फैमिली में और भी जो लोग हैं, जो भी हमारे घर से जिनको जाना है, ये लोग मतलब जाएंगे। वो होता है हमारे यहाँ 13वीं, तो उस 13वीं से पहले, ठीक है, जिसे हमारे यहाँ काम वगैरह बोला जाता है, भतवान होता है, पहले ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। थोड़ा ना पता है व्लॉग में ये सब बोलना भी बहुत मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है, बट बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता थी कि ये हो गया वो हो गया, तो नहीं ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें सूतक नहीं लगा है, तो हमें पूजा करना चाहिए। अब नवरात्रि आया है तो हम करेंगे ही, डेली भी अगर कोई पूजा करता है उसको भी करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या होता है कि हमें तो मतलब कि उस दिन जो जो हमें नहीं बनाना है कि हमारे उसमें नहीं आता है, एक होता है ना कुछ हमारे पूर्वजों ने नियम कानून बना रखे ऐसे टाइप का, तो हमें फिर उस चीज़ को करना होता है उस तरीके से, कि जैसे कि अगर 24 घंटा तक जिसके घर में ऐसा हो उसको अगर खाना नहीं खाना, चूल्हा नहीं जलाना, तो हमें वो काम करना होता है कि हमें अगर उस चीज़ को नहीं लग रहा है तो हमें इस चीज़ को दिखाना है कि ये चीज़ हमें नहीं लग रहा, हमें ये चीज़ करना है। तो इस तरीके से होता है, जैसे अगर मन नहीं भी हो और उसमें जिनको सूतक लगा है और उन्हें फास्ट रखना है, बिना खाए रहना है, और हमें नहीं सूतक लगा है, तो हमें वो चीज़ चाहे बिना मन के ही कुछ मुंह पे डालना होता है, कुछ ऐसा मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़े बुजुर्गों ने बनाया हुआ है, तो कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है, आज भी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों का जिसका रिप्लाई चाहिए, आंसर चाहिए। तो मैं एक बात बता दूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला और पूछा कि क्या पापा जी आपके आपसे बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ पर हार्ट भी दिया हुआ है, मैं उनसे ये बोलूँगी कि आपके मन में क्यों आया, वो मुझे क्यों नहीं बात करेंगे। और दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे सवाल या बातें पूछे जा रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि अब मैं ठीक हूँ, आप लोग मेरी टेंशन ना करो, बिल्कुल भी टेंशन ना करो, ठीक है। परिस्थितियाँ होती है जो कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती हैं, तो उस हिसाब से सारे सिचुएशन होते हैं, चलते हैं। लेकिन मैं बस सिर्फ आप लोग से इतना बोलना चाहूँगी कि मेरा कोई भी डिसीज़न जो है, चाहे जैसा वो था वो डिसीज़न वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। अभी मैं, हमारा घर का जो हालात है थोड़ा सा नाजुक है, आपको पता है सभी लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोग अभी कुछ कमेंट ना करो। बाकी देखते हैं, आप लोग व्लॉग में बने रहो, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों से शेयर करनी है, जो कि मैं धीरे धीरे अपने तरीके से करूँगी, पहले भी मैंने बोला हुआ है, तो मैं शेयर करूँगी क्योंकि वो ज़रूरी है शेयर करना, ठीक है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अभी अगर चाहे, देखो जो मेरे पॉजिटिव सब्सक्राइबर हैं वो किसी भी कंडीशन में वो उस चीज़ को
मतलब कि जो उन्हें सही लगेगा उसे सही ही बोलेंगे, ना कि वो मतलब मुझे ट्रोल करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेके मेरे जो खुद के सब्सक्राइबर होने गलत फहमी हो गई थी, तो मुझे पता है कि जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो कभी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे। होंगे तो कुछ मिनट सेकंड के लिए होंगे, फिर उनके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और बस ठीक है, मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रही, मैं कुछ बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। और रही बात खाना बनाने की, खाने की तो ठीक है, खाना बन रहा है, खा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आज नवरात्रि का थर्ड डे है और बस मैं यही बात बोलना चाहूँगी बार बार कि बहुत से लोगों को मेरी फ़िक्र हो रही है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ठीक हूँ और ठीक हूँ। और आँखों को लेके आप लोग परेशान थे, तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो जिस दिन नानी जी को हुआ था ना, उस दिन मैं थोड़ी ज़्यादा रोई हुई थी। वो पानी जो होता है ना आँखों पे ऐसे चढ़ जाता है, तो बस उसी की वजह से आप लोग ऐसा दिख रहा था। कुछ लोगों ने तो मेरे उस व्लॉग को देख के ऐसे बोल दिया ज़बरदस्ती रो रहे हो, तो अब उसके बाद जब व्लॉग आया तो आप लोगों ने देखा ना कि मेरी आँखों का क्या हाल हुआ है। मैं कैमरे के सामने मतलब अवॉइड करती हूँ ऐसे थोड़ा सा, मतलब मुझे वो लगता है, इसलिए आप लोगों को लगा होगा। बाकी ठीक है, चेहरा इसलिए थोड़ा उदास है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस वजह से मैं परेशान बहुत ज़्यादा हूँ। इसलिए मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं ना, इसका मैं क्या ही रिप्लाई करूँ, मुझे नहीं पता सामने वाला उस चीज़ को कैसे लेगा। बस इसीलिए, बस और कुछ नहीं। मेरा धनु बच्चा गया, आप लोग कहते हैं ना धनु को ब्लॉग में लाया करो। हाँ हे हो माय बोलते हैं, क्या बोलते, इधर आओ ना पहले ब्लॉग में, सब बोलते हैं हे हो माय बोलते हैं चाइना में। हाँ, वैसे इधर आओ। हाँ, ये हे वाओ क्यों बोल रहा है, जैसे उंगली लगा मैंने। कौन बोला? अरे वो दरवाजा। अच्छा, उसने बोला कि अनलॉक हो गया, उसने बोला लॉक हो गया, उसने बोला कि वो पिन करेक्ट नहीं है, सेंसर करेक्ट नहीं है। ओके, मैं आपके वीडियो में देखूंगा। मेरे वीडियो में देखोगे? तो गाइज, मुझे मुझसे ज़्यादा मेरे धनु को आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। धनु को बहुत सारा आशीर्वाद देना, है ना। धनु मेरा बहुत ही समझदार बच्चा बने और कभी भी ऐसे फालतू का गुस्सा ना करे, है ना। सब बोलते बहुत प्यारा बच्चा है, सच में बहुत प्यारा बच्चा है। और मैं चाहती हूँ कि धनु को ऐसे डिसिप्लिन और संस्कार मिले कि इन्हें सही और गलत का जो हो ध्यान रहे, है ना धनु। कैसे डिसीजन लेना है? 9 मिनट 10 सेकंड हो गया। और आज धनु स्कूल नहीं गया क्योंकि आज ईद की छुट्टी है, आज नवरात्रि का थर्सडे है। और बस अब आगे जो है ना, मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे सारा काम जो है मैं करती रहूँगी। मेरा ये एक ऐसा बच्चा जो है ना, मैं इसके लिए मतलब कि तो मैं क्या बताऊँ, जान दे देती हूँ। मेरे चेहरे पर स्माइल रहती है, मतलब मैं कभी, मेरा बच्चा अगर ना मुझे अकेले कहीं देख ले, इधर आओ सुनो, इधर आओ, थोड़ा आप ही बता दो, ऐसा लगेगा क्या पता मैं क्या बोल रही हूँ। जब आप मुझे कहीं अकेले देखते हो तो क्या बोलते हो? मम्मा मम्मा यहाँ क्या बोलते हो, कि यहाँ क्यों बैठे हो, क्या बोलते हो? यहाँ क्यों बैठे, वहाँ बैठे, यहाँ पे कोई नहीं है, देखो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। जब भी कहीं भी देखते हैं ना आके, बस यही बात बोलता है कि मम्मा एक बहुत प्यार करता है मेरे बच्चों मम्मा को। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, मैं अपना काम करके आ गई, तो मैं अपनी बात जो है कंप्लीट कर लूँ। वैसे भी बातें बहुत ज़्यादा कर ली। एक्चुअली बात यह है ना कि कभी कभी मुझे, हमेशा से कभी कभी ना मुझे अकेले बैठने का, सोचने का, मतलब होता नहीं, कभी कभी मन करता है इंसान को कि वो अकेले बैठे, किसी भी बारे में सोचे, बात करे, मतलब विचार करे, है ना। और मतलब कि कहते हैं इससे, पता है क्या, अकेले बैठने से मतलब हम डीपली किसी भी चीज़ को अध्ययन बोल सकते हैं, वो कर पाते हैं, मतलब चीज़ों को हम समझ पाते हैं। ठीक है, खुद से बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें तो वही कभी कभार ये देख लेते हैं ना मुझे तो बहुत, मतलब कि बहुत वो करते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि मैं कभी भी, मुझे नहीं पता इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होता है किसी को नहीं पता, कभी भी कि मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा के लिए यही माँ बन के रहूँ, क्योंकि मैं उसके लिए ये माँ बन के जब रहूँगी तभी मुझे वो ये बेटा वाला प्यार दे पाएगा और मुझे मिल पाएगा। मतलब कि क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो होता है बच्चों को, मतलब कि बच्चों को अपने माँ से तो होता ही है,
ठीक है, बच्चे अपने माँ को प्यार करते ही है। ठीक है, तो अब जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे। और मैं उस टाइम जल्दी जल्दी में चले गई थी, धनु को जाना था कहीं, कुछ किसी काम से आए हुए थे, तो बस इसीलिए मैं फटाफट से कट करके चली गई थी। बाय गाइज़।